बाइक बोर्ड के संबंध में दो तीन खबरें हैं। मुख्य आरोपी संजय भाटी 2 अप्रैल को कोर्ट में उनकी पेशी होगी। नोएडा से खबर है दोस्तों की बाइक बोर्ड घोटाले में मुख्य आरोपी संजय भाटी को जयपुर कोर्ट में पेश करने के लिए न्यायालय ने समन जारी किया है। इस समन को लुक्सर जेल में दाखिल किया जा चुका है और 2 अप्रैल को संजय भाटी की जयपुर कोर्ट में पेशी होगी। इसके अलावा उनकी पत्नी दीप्ति बहल की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी भी ईओडब्ल्यू ने शुरू कर दी है। बाइक बोर्ड घोटाले में देश भर में 700 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले 20 माह से संजय भाटी जेल में बंद है। इसकी विभिन्न जिलों में पेशी भी हो चुकी है। अब चेक बाउंस होने के मामले में संजय भाटी को जयपुर कोर्ट में पेशी के लिए वहां न्यायालय के से समन जारी कर दिया गया है और यहां समन जिले की लुक्सर जेल में दाखिल करा दिया गया है। 2 अप्रैल को संजय भाटी को जयपुर कोर्ट में पेश किया जाना है। इसी घोटाले में संजय भाटी के परिवार के 8 सदस्य आरोपी हैं। इनमें से 3 अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं जबकि 5 जेल में बंद हैं। घोटाले में आरोपी और 50,000 की इनामी संजय की पत्नी दीप्ति बहल भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी संपत्ति को कुर्क करने के आदेश ईओडब्ल्यू न्यायालय से ले चुकी है। दूसरी खबर दोस्तों कि संजय भाटी की जेल में पेशी। नोएडा से ये भी खबर है कि बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी संजय भाटी व अन्य की जिला अदालत में पेशी व केस में सुनवाई शुरू हो गई है। कोरोना के चलते आरोपियों की कोर्ट में पेशी नहीं हो पा रही थी। सोमवार को संजय भाटी व अन्य आरोपियों को लुक्सर कारागार से सूरजपुर स्थित जिला अदालत लाया गया। सुनवाई शुरू होने से निवेशकों में जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। बाइक बोर्ड फर्जीवाड़े में दादरी कोतवाली में 85 केस दर्ज हैं। कई केस में आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल हो चुके हैं जबकि कुछ मामलों में अभी जांच जारी है। फर्जीवाड़े में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि बाइक कोर्ट कोरोना के चलते जेल में बंद आरोपियों की कोर्ट में पेशी नहीं हो पा रही थी। दोस्तों खबर थी बाइक कोर्ट से संबंधित। सड़क या अन्य फ्रॉड और स्कैम से संबंधित न्यूज़ देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।